सब पेपर ही पढ़ेंगे, टीवी कौन देखे? पाँच छः महीने चलिए ठीक, पीछे रहिए, मैं आप ही नजर आएंगे भैया। ये पंकज कुमार पांडे, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, जनपद इलाहाबाद, जो सीएमओ कार्यालय से संबद्ध हैं। इनके के बारे में एक शिकायत मिली थी दो तीन दिन पहले, हम लोग इसकी जांच करवाए। जांच में ये मालूम हुआ कि इनको सीएमओ ने पाली क्लिनिक वगैरह, जैसे हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते हैं, और ये मेडिकल स्टोर वगैरह के लाइसेंस के लिए प्राधिकृत किया था। तो इस क्रम में एक वहाँ का प्रतापगढ़ के आदमी ने जो है अप्लाई किया था पाली क्लिनिक के लिए, उससे इन्होंने 70,000 रुपये की मांग की थी। ये शिकायत हमको प्राप्त हुई, शिकायत की हमने जाँच करवाई, जाँच में पुष्टि हुई कि इनकी आम शोहरत जो है वो ठीक नहीं है, और इस तरह की शिकायतें इनके बारे में मिलती रहती। इसके बारे में फिर वादी के द्वारा जो है धनराशि प्राप्त करके लगभग 35,000 रुपये, उस पर ऊपर जो हम लोग अपनी कार्रवाई करते हैं प्री ट्रेप की, वो कार्रवाई वगैरह करके पैसा दिया गया, और पैसा ले जा करके वादी ने उनको दिया। और वादी के देते समय हमारी टीम उनके साथ लगी हुई थी, उसने रंगे हाथों इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनको थाना जांच टाउन इलाहाबाद भेजा गया है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आपका नाम क्या भैया? खाली पंकज देखते हैं? किस चीज़ के आप क्या करते हैं? मैं कहाँ पर हैं? किसी पकड़ा गया आपको? अनायास हमारे जेब में पैसा रख के पकड़वाया गया। फर्जी फंसाया आपको? किसने किया ये? राजकुमार पांडे, वो अपने द्रुति हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन ज्यादा दिन से चाहते थे, जिसका हम लोग नहीं कर रहे थे, और इसी के चक्कर में ऐसा करके किया। द्रुति हॉस्पिटल जो कैंसिल है, ज़्यादा दिन से उसका प्रकरण चल रहा था कि उसको कर दिया जाए, हम लोग नहीं कर रहे थे, और उसी चक्कर में ये बहाल कराना चाहते हैं। बहाल कराना चाहिए सर, आई गोपाल है वीडियो।